जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खंड जखोली में ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पंचायत की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पेयजल समेत 30 शिकायतों को सदन के प्रमुख रखा है। वहीं विद्युत विभाग समेत अन्य विभागों के आला अधिकारियों के ना पहुंचने पर निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली की झूलती तारों की समस्या, सड़क डामरीकरण, पेयजल की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने तथा जंगली जानवरों के बढ़ते नुकसान के समाधान को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो नवनिर्माण हमारा सभागार था, उस सभागार में बैठक बीडीवीसी की बैठक की गई है, जिसमें बहुत सारे विभाग के विभाग अध्यक्ष यहाँ पे अनुपस्थित थे। सदन के माध्यम से उनके उसमें निंदा प्रस्ताव आया कि भाई कि जो अनुपस्थित जो लापरवाह विभाग है, विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, उनके पे निंदा प्रस्ताव लाया जाए। और बहुत सारे मुद्दे हमारे सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि यहाँ पर 2 माह से उप जिलाधिकारी महोदय मनी यहाँ पे पद रिक्त है। उसी तरह हमारे महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। बहुत सारी सड़कों की मांगे यहाँ पे आई, विद्युत की मांगे कि मीटर रीडर नहीं है, विद्युत की जो लाइनें वो झूल रहे हैं। तो इस तरह के यहाँ पे मान्य सदस्यों द्वारा सदन में आवाज़ उठाई गई है। और मेरा अधिकारियों गणों से यही अनुरोध है कि आप लोग